ये आलीशान है हमारी। कहने का आलीशान आपको लगेगा तो घोड़ा ही लगेगा। ये सबको सुबह सुबह रिंग में घुमाते हैं, है ना, सबको घुमाते हैं। एक घोड़ी है ना जो अजाई भी, उसका पैर आगे वाला काम नहीं कर रहा, तो वो तो बच्चा देने वाली भी है 15-20 दिन में, तो उसको नहीं घुमा दे, बाकी हर घोड़ी और घोड़ा और बच्चे सबको घुमा दे। ले ले हमारी भी जिम हो जाती है सुबह सुबह, और इधर गर्मी भी बहुत पड़ रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना कि भाई साहब घोड़ा बताना तो घोड़ी को बढ़िया घोड़ा बताना, जो आपके आसपास एरिया में होगा और आपने देखा होगा कि हल्की घोड़ी में भी बढ़िया बसा देता है, इस घोड़ा को घोड़ी को बताना चाहिए। ये ना कि जैसे हमारी इधर ये साइड में कन्हैया है ना पोपट भाई का, वो काठियावाड़ी घोड़ी होती है उसमें प्योर मारवाड़ी पैदा कर देता है। इसकी कोई बड़ी हाइट नहीं है लेकिन बहुत बड़ा घोड़ा है, तूफान लाइन से है, लेकिन वो कैसी भी घोड़ी होगी उसमें बच्चा देता है। ये 62-63-64-65 का ही देता है, लेकिन जो कन्हैया की इज्जत किसी लिए नहीं हुई, सब उसको सब बसा सेल किया ना, वो झूठ बोल के ही किया हुआ है। कोई काले का टेन, कोई दिलबाग, कोई देव का बता के, कोई दूसरा बता के, सब बड़े घोड़े का नाम लेके उसका बच्चा सब सेल होता है, और सब झूठ बोलते हैं कन्हैया का बच्चा वाला झूठ बोल के ही सेल करता है, तो मिलता है उसमें 15-20 हज़ार ज़्यादा, उसमें कोई दूसरा तो नहीं मिलता, लेकिन इज्जत चली जाती है। तो कन्हैया की इसीलिए इज्जत नहीं है, तो एक उधर नहीं राजस्थान में कहाँ है सीताराम वाला घोड़ा, उसका ऐसा है, ये ना उसका ऐसा है कि दूसरे घोड़े का नाम लेके बच्चा सेल कर देता है। मेरे हिसाब से हमारे कन्हैया का 200 बच्चा सेल हो गया है, लेकिन कन्हैया का नाम कहाँ भी नहीं है हमारे तूफान के साथ जुड़ा हुआ है जाहिर में, कि तूफान कन्हैया का है मैं ही बोलता हूँ, और मैं भी देव बताया था ये ही घोड़ी को, ये घोड़ी का ही बच्चा है तूफान, और इसको हमने देव बताया था पहले छोटू भाई वाला, तो खाली निकली, दो बार बताया था देव तो भी खाली निकली, उसके बाद हमने कन्हैया बताया। बहुत लोग ने हमारे को बोला था कि आप राम भाई देव का बच्चा बताइए, हमारे पास देव को जो पैसा दिया था 50,000 उसकी पर्ची भी है और वीडियो भी है, तो भी बोला मैं कि नहीं झूठ तो बोलना ही नहीं है, पैसा के लिए तो हम लाइन नहीं बनाएंगे, क्या पैसा के लिए तो लाइन नहीं बनाएगी, क्योंकि हम तो मुगलों की कि अंग्रेजों की पैदाइश नहीं है, हम लाइन नहीं बनाते। आप झूठ बोलिए 50,000 का लेके, आप 1,00,000 बोलिए 2,00,000 बोलिए, उसमें कोई फर्क नहीं, पर लाइन बनाएगा ना वो तो गधे की औलाद होती है, क्योंकि कहाँ अंग्रेजों की कहाँ मुगलों की, हमारे इधर बहुत है वो पैदाइश अंग्रेजों और मुगलों, वो बिद्दाण छोड़ के गया हुआ है इधर, कोई झूठ बोलता है, मैं तो सही बोलता हूँ, जिसको लगेगा मिर्सी उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन झूठ बोलेगा ना वो तो मुगलों की औलाद होती है, लाइन बनाएगा वो। पैसा का झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, हमने एक घोड़ी सेल किया है, बहुत पैसा हम किया, हमने बोला था कि भाई हम तो फ्री ऑफ में लेके आया है, हम तो बता देते हैं जो भी बताने के लायक होता है ऐसा, बाकी दूसरा तो पूछते हैं तो हम नहीं बताते, लेकिन झूठ बोलने से फायदा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो हम झूठ बोलते और देव का बच्चा बोलते तो हमारे घर पे तूफान ऐसा आता ही नहीं, जैसा कोई
तूफान जैसा कन्हैया का भी बसा नहीं आया, इतना बड़ा खूबसूरत आया है। ऐसा नहीं है कोई दो पैर वाला आया है, कोई तीन पैर, कोई लक्ष्मी कदम दो पैर वाला आया है, एक पैर वाला आया, बढ़िया बच्चा देता है जो भी होगा कन्हैया। लेकिन तूफान जैसा हमने नहीं देखा, कन्हैया का नहीं देखा, ऐसे दूसरे का ही नहीं देखा, किसी का ही। तो ऐसा है भाई साहब। और देखो ये इसमें कल पपैया लगाया हुआ है, यानी पपैया लगाया हुआ है तो बहुत बढ़िया आएगा। इसमें थोड़ा बांध के रखा है लड़का ने, यानी बांध के तो रखा है तो पूरा उसका पान नहीं काटा। इसमें बहुत बढ़िया पपैया आएगा, पानी भी डाला है, यानी बहुत बढ़िया आएगा। देखो ये होगा ना तब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आम से भी बड़ा मीठा आता है। और भी मैं आपको कल, ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगता भाई साहब। तो ये काम करना, मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसा घोड़ा बताना चाहिए और कैसा नहीं, कैसी घोड़ी में कैसा घोड़ा बताना चाहिए, वो अगला ब्लॉग में मैं बताऊंगा। ये हमारा हीरामणि कहाँ से बढ़िया है। और अभी तो बारिश का टाइम 15 जून बोल रहा है, 15 जून के बाद ही हमारे इधर आता है बारिश। तो ऐसा है भाई साहब, ये लगती है हमारे इधर, बोलते हैं ना तो माए घुमाते घुमाते यही साथ में ले लेता हूँ। तो ऐसा है भाई साहब, थोड़ा इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो इसमें ये सींग उठा रहा है सब, ये सितियावी लेबर है आज। क्या ना है बबलू, एम पी ना क्या ना है, खरगोन क्या जिला ना, धार जिला ना, क्या ना। किधर हमारे पास में है, वहाँ से आया हुआ है, कोई गांव में से आया है। टोटल मिला के 827 से इवन सितियावी लेबर है। ये दूसरा खेत है, वहाँ जाएगा अभी, इधर तो ये थोड़ी है बाकी। ट्रैक्टर वहाँ जा रहा है दूसरी जगह पे, जा रहा है, क्योंकि बसास लेबर होगा ना इसके पीछे तो भी ये मांडवी तो निकाल लेता है। तभी हमारे दीप जा रहा है लेके, कहना कि अभी स्टार्ट हुआ है वहाँ से, दूसरा खेत है वहाँ जा रहा। दूसरा खेत है वहाँ जा रहा है। सींग भी बढ़िया होती है, अभी ये साल तो बहुत पूरी पक गई है, 3 मंथ के से आगे हुई है। और 70 इसका नंबर है, सानंतरी नंबर बोलते हैं। खाने में लिए भी बढ़िया रहती है और पाला भी इसमें बढ़िया होता है। ये 3 मंथ में आसपास ही पक जाती है, यानी कि 3 मंथ के आसपास। ऐसा है, यानी ऐसा है, ये बढ़िया है, ये 2-3 दिन में सूख जाएगी, सूख जाएगी। हमारे इधर का ट्रक वाला है व्यापारी, वो जा रहा है तो बोला हमारा भी वीडियो उतारना, कहने को बोल रहा है। तभी मैं थोड़ा खोड़ा आवाज दे रहा है तो वहाँ जा रहा हूँ। सामने भी सब लेबर बैठा हुआ है, कहने ज़्यादा लेबर इधर तो 6-7 है, वहाँ ज़्यादा है वो साइड। चाय पानी पिला रहे सबको। तो ऐसा है किसान का दाल भाई साहब, कि हम ये खेत में तो लेबर से ही काम करवाते हैं, लेकिन गायों और घोड़ा हम घर में, घर पे ही काम करते हैं। घोड़ा और गायों को उसमें लेबर नहीं लगाते, कोई भी मजदूर नहीं है, लड़का है और मैं, वही हम काम करते हैं सब। इतियावी लेबर है सब मिला के, गाँव वाला और हमारा घर पे वाड़ी पे रहते हैं और आसपास में भी आया। तो ये 2 दिन में
आज और कल परसों हो सकता है तो 3 दिन में उठा लेंगे, ऐसा है।